तो आज कवर करने वाले हैं अपन लेह पैलेस और शांति स्तूप। लेह पैलेस, यहाँ से नजारा आता है बहुत ही खूबसूरत, पूरा शहर दिखता है, बहुत बढ़िया लगता है। ये पूरा 9th फ्लोर का पैलेस है और वहाँ के लोकल मटेरियल से बना हुआ है। लेह की एक खासियत है, यहाँ के बादल बहुत ही सुंदर होते हैं, जो कि आप इस पैलेस से देखोगे तो और अच्छे दिखेंगे। यहाँ आप एक्सपीरियंस करेंगे लेह का कल्चर और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इधर आप आइएगा सेकेंड डे, एक दिन आप वहाँ पे रेस्ट करिए, एक्लिमेटाइज होइए, उसके बाद आराम से आप आइए लेह पैलेस सेकेंड डे पर। यहाँ का कंस्ट्रक्शन ऐसा किया गया है जैसे फोर्ट गर्म रहे। यहाँ पे हमने बहुत सारी सेल्फीज ली और वीडियो बनाई, रील्स बनाई इंस्टाग्राम के लिए। जब आप लेह के टॉप फ्लोर पे जाएंगे तब आपको बैक साइड पे दिखेगा शांति स्तूप, आप यहाँ से शांति स्तूप भी देख सकते हैं। और आप जब शांति स्तूप को पर्सनली जाके देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं हम शांति स्तूप पर। लेह में आपको बहुत मौके मिलेंगे स्नो कैप माउंटेन्स देखने के, और ये शांति स्तूप जब हम सेकेंड डे पहुंचे थे तो हमारे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था। देख सकते हैं आप कि शांति स्तूप कितना सुंदर बना हुआ है। आप यहाँ पे घूमने के अलावा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर भी अवेलेबल है। अब डे 3 में हम ये सारे स्पॉट्स कवर करने वाले हैं, और अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिस नहीं करनी है तो बेल आइकन प्रेस करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय।